आज चांद दिन में कैसे निकल आया? कहाँ जा रही है मिठाई की दुकान? पुलिस स्टेशन रपट लिखवाने। पुलिस स्टेशन? कौन है? सर मैं बख्तावर सर। तुम मिलो आके मुझसे अभी। दिलावर, तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी शख्सियत है जो खुद एक पहेली है, और उस पहेली को बुझाना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। दिलावर का फोन आया था मेरे पास, वो बहुत कंसर्न है इस सिलसिले में, और उसे उम्मीद है कि वो राह चलती लड़की जिसने ये जुर्म होता हुआ देखा था एक दिन बहादुर होने का सबूत देगी और अदालत का बहादुरी से सामना करेगी। अगर मेरा नाम आया ना, मैं तेरा नाम और निशान मिटा दूंगा। दिलावर का फोन आया था मेरे पास, वो बहुत कंसर्न है सिलसिले में, और उसे उम्मीद है कि वो राह चलती लड़की जिसने ये जुर्म होता हुआ देखा था एक दिन बहादुर होने का सबूत देगी और अदालत का बहादुरी से सामना करेगी। तूने ही उनको बताया था ना कि कॉलेज के बाहर उस लड़की पर तेजाब मैंने फेंका था। अब तू ही पुलिस को बताएगी कि ये सब तूने जाति दुश्मनी के बिना पर किया है, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मेरी बदनामी या राज खुलने का डर नहीं है सर। सर मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि दिलावर सर की रिपीटेशन पे मेरी वजह से कोई भी धब्बा पड़े। आप नहीं जानते जो शीदा है उसने धमकी दी है कि दिलावर। मैं जानता हूँ, और इन सारी धमकियों के बावजूद भी तुमने बयान देने का फैसला किया। बहुत बहादुर हो तुम, और ये बात मत भूलो कि दिलावर की साख की परवाह मुझे भी बहुत है। बेफिक्र रहो, शीदा तुम्हारे किरदार के बारे में या दिलावर के खिलाफ कोई उल्टी सीधी बकवास नहीं कर सकेगा। बैठो, ये बताओ वो काम का क्या हुआ? तुम्हें एडवांस देना था ना बापू? जी सर, अभी तो दिलावर सर के कहने पे यही जॉब कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ये जॉब कंटिन्यू कर सकूंगी आगे। हेलो मैडम जी, मैं शीदा बात कर रहा हूँ। तुम्हारा काम कर दिया था ना, अब क्यों बार बार फोन कर रहे? अब जी जी बिल्कुल, वो जो असल सेशन की गवाह है ना, वो मेरे खिलाफ थाने पहुंच गई है। हेलो 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 बाबा, वो शीदा था ना जिसका बताया था आपको, वो बार बार कॉल कर रहा है, मैं यहाँ एग्जीबिशन में हूँ, इसका बंदोबस्त करें फौरन। ओके थैंक यू। मैडम जी देखिए देखिए, कॉल मत काटिएगा। नहीं नहीं, कॉल मत काटिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो मलिक दिलावर का सेक्रेटरी है ना, वो सेक्रेटरी नहीं है, वो बख्तू है, बल्कि वो बख्तू भी नहीं है। हाँ हाँ मैडम जी, कॉल मत काटिएगा। देखिए देखिए, मेरे पास एक ऐसी खबर है
जो पूरे मीडिया में हलचल मचा देगी, आग मचा देगी। मैं आपको बता रहा हूँ। अबे यार मेरे साथ चलती हुई लड़की उसकी जद में आ गई। उसका पूरा चेहरा तबाह हो गया। उसका नाम शाहान है। क्या? हाँ माँ, अपने मुस्तकबिल की खातिर मैं खामोश रह के इस घुनौने जुर्म का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। शाहानों को इंसाफ पाने के लिए मेरी गवाही की जरूरत है और मैंने फैसला कर लिया माँ, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। मैं बख्तावर की हैसियत से बख्तावर बन के कोर्ट में जाके बयान दूंगी, बस। और तुम्हारी नौकरी का क्या हो? नौकरी? ये नौकरी भी अब नहीं करूंगी मैं। खैरियत? वो बताना था कि शीदे का एक्सीडेंट हुआ और मौके पे ही हलाक हो गया। आपके बेटे की दोस्ती थी ना उससे बहुत, तो मैंने सोचा साथ ले चलूं। भाई शहर से बाहर गया। तुम्हें पता है दिलावर, मेरी कुछ अरसे पहले एक पर्सनालिटी से मुलाकात हुई जो मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसी लगी। लगी मतलब? लगी मतलब कि वो एक लड़की है। अब लगी या लगा, डज इट रियली मैटर? असल बात यह है कि उसे अपने नफा नुकसान की कोई परवाह नहीं। शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड लेडी। ऐसी तो बहुत सी खवातीन हैं। कहना क्या चाह रहे हैं? बत्तू, तू कब आया? बस अभी थोड़ी देर हुई है। सुन नूरा, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। तुझे मुझसे क्या बात करनी? यहाँ तो सब पहले ही मेरे खिलाफ है। बोल क्या बात करनी है? मैं तुझे पहले बोल चुका हूँ, सलार साहब से दूर आकर वो आदमी ठीक नहीं है। अच्छा, समझ गई कि तेरा मसला क्या है। क्या? यही कि मेरा हाल चाल पूछ लेते ना, बस यही तो उससे बर्दाश्त। दिमाग खराब हो गया तेरा? शर्म नहीं आती ऐसे सोचते हुए तुझे? रहने दो, मैं कम उम्र जरूर हूँ लेकिन इतनी भी ना समझ नहीं कि समझ ना सकूं किसको मेरी कितनी फिक्र है और मुझसे क्या गर्ज है। तुम मिलो आके मुझसे अभी। मुझसे मोबाइल भी छीन लिया है और ये लोग मुझ पर इतनी सख्ती करते हैं। तुमने कुछ बता तो नहीं दिया? मेरा मतलब है उन्होंने तुमसे पूछा नहीं कि तुम्हारे पास ये फोन कहाँ से आया? अरे नहीं नहीं, मैं पागल थोड़ी हूँ। वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम, इसीलिए तो अच्छी लगती है मुझे। वाकई अच्छी लगती हूँ मैं आपको? बहुत अच्छी लगती हूँ। अच्छा, लेकिन आप तो बहुत ऊंचे लोग हैं ना, और हम ठहरे आपके गुलाम, बकौल मासी जमीला के, नस्लों के गुलाम। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बाहर से पढ़कर आया हूँ और वहाँ पर इन बातों को कोई अहमियत नहीं दी जाती। और वैसे भी दोस्ती में अमीर गरीब, मालिक नौकर, ऐसा कुछ नहीं होता। नूरा की वजह से ज्वाइन कर रहे हो ना ऑफिस? नहीं सर। कब से चल रहा है ये सिलसिला? सर आई एम सॉरी, लेकिन आप जो सोच रहे हो दुरुस्त नहीं है। जरूरी नहीं कोई लड़का लड़की मिले बात करें तो गलत नहीं है। तो नूरा को अच्छा बुरा बताना मैं अपना फर्ज समझता हूँ। तुम्हारी आंखों में मैंने उसके लिए कोई खास बात देखी है? सर बगैर किसी सबूत के हमारी नीयत पे शक करने का किसी को हक नहीं है। तुम जानते हो बाबा ने क्या फैसला किया तुम दोनों के लिए? वो चाहते हैं कि तुम नूरा से शादी कर लो।
इसमें कोई हर्ज भी तो नहीं है। सर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं लेकिन माफी चाहता हूं, आप लोगों में किसी की नीयत परखने और पहचानने की बिल्कुल सलाहियत नहीं। सॉरी, अल्लाह हाफिज़।